हेलो एवरीवन, मैं अनीस नोटिया आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल में धोलेरा अपडेट्स। फ्रेंड्स, आखिर क्या है ये धोलेरा, क्या है ये धोलेरा और ये शहर क्यों खास है, क्यों खासम खास है, ये शहर क्यों खास है। मैं आज इस शहर के बारे में, इस सिटी के बारे में आप सभी लोगों को जानकारी देने वाला हूँ। क्या आप तैयार हैं, क्या आप रेडी हैं? फ्रेंड्स, इस शहर के बारे में क्या खास बातें हैं, इस वीडियो के माध्यम से आज आप लोगों तक मैं ये सारी जानकारी पहुंचाना चाहता हूं। फ्रेंड्स, मैं मेरी पूरी टीम से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो के माध्यम से ज़रूर आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचे, आखिर ये शहर क्यों है खास, वीडियो के माध्यम से क्यों, आखिर क्या है इसका रीज़न। फ्रेंड्स, मैं यदि इस शहर के बारे में बताऊंगा तो शायद आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि आखिर सिंगापुर और दुबई और शंघाई की तरह हमारे भारत में, जी हाँ सही सुना आपने, हमारे इंडिया में एक ऐसा ही शहर डेवलप होने जा रहा है जो सिंगापुर, दुबई और शंघाई से भी हाईटेक शहर बनने जा रहा है। फ्रेंड्स, इस शहर की क्या खास बातें हैं और यह शहर क्यों खास है, मैं ज़रूर वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा, क्योंकि वीडियो के माध्यम से आपको मैं नहीं वो सारे लोग बताएंगे शायद जिनका यकीन आप लोग कर लेंगे। तो ज़रूर मैं टीम से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो के माध्यम से आप सभी दर्शकों तक ये छोटा सा वीडियो। आज का वीडियो ढोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बारे में है। ढोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट एक एक्चुअली कमाल है। ये गुजरात के अंदर नया गुजरात है, धरती पे एक स्वर्ग है जिसके बारे में पूरे देश को पता लगना जरूरी है। आप मुझसे कई बार जब मैं देशों की केस स्टडी करता था पूछते थे कि हमारा देश टोक्यो या शंघाई जैसा क्यों नहीं है, दुबई, सिलिकॉन वैली, सियाटल, बर्लिन, सिंगापुर, लंदन जैसा क्यों नहीं है। आज बात करते हैं ढोलेरा स्मार्ट सिटी, देश का पहला ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि सिंगापुर से डेढ़ गुना बड़ा, मुंबई से ज्यादा बड़ा, जहां पे स्मार्ट हॉस्पिटल, स्मार्ट रोड्स हैं, जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम स्मार्ट, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, रोड स्मार्ट, ट्रैफिक का मैनेजमेंट, एक ऐसा सिस्टम बना दिया जो कि पूरा इंटरनेट से कनेक्टेड है, हर जगह वायरलेस सेंसर्स से कनेक्टेड है। उस हब को बोलते हैं एबीसीडी बिल्डिंग। इनकी एबीसीडी बिल्डिंग से सारे वायरलेस सेंसर से ऐसे कनेक्टेड है कि अगर कोई आदमी रेड लाइट जंप करेगा वो एबीसीडी बिल्डिंग में पता चल जाएगा, अगर किसी बिल्डिंग में आग लगी हुई है एबीसीडी बिल्डिंग में पता चल जाएगा, अगर कहीं कोई आपदा विपदा आ गई, अर्थक्वेक आ गया एबीसीडी बिल्डिंग में पता चल जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई भी दुर्घटना एबीसीडी, आपकी ऑफिस के अंदर अगर आग लग गई आपको नहीं पता, नीचे के फ्लोर में लगी, आप ऊपर बैठ करके काम कर रहे हैं, आपको एबीसीडी बिल्डिंग से फोन आ जाएगा आपकी बिल्डिंग में आग लगी है नीचे उतर जाओ। इतना ज्यादा इन्होंने कनेक्टिविटी पे शुरू। मोदी 5 साल पहले से ही गिफ्ट और ढोलेरा को शंघाई से भी बड़ा बनाने का ऐलान करते रहे हैं। ये हमारा जो ढोलेरा बनेगा, आज जो शंघाई है उस शंघाई से 6 गुना ज्यादा बड़ा हमारा वो ढोलेरा बनने वाला है, 6 times more। तो मैं तो उस लेवल पे हम सोच रहे हैं और हमें विश्वास है कि नए शहर बनेंगे। जैसे कि वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों ने जो भी जानकारी यहाँ हासिल करी, शायद मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी आप तक पहुँच चुकी है। और क्या है ढोलेरा, आखिर इस ढोलेरा में कैसे आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, आखिर भारत में कैसे ये पूरा शहर इतना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में तैयार होने जा रहा है। बने रहे मेरे साथ ढोलेरा अपडेट के साथ, मैं आप लोगों तक वो जानकारियां हर रोज पहुंचाता रहूंगा, जो जानकारियां आप सभी लोगों तक पहुंचना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो राइट टाइम और राइट डिसीजन लेकर के जरूर आप सभी लोग इस खूबसूरत से शहर में निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि राइट टाइम राइट डिसीजन ये आपका बहुत ही अच्छा रहेगा आप सभी लोगों के लिए। मैं जरूर चाहूंगा कि आप सारे लोग एक बार ढोलेरा में विजिट करने के लिए जरूर आएं और हो सके तो अपना फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स यहां पर जरूर अपना करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड हो सके तो इसको शेयर जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।